आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, छोटा सा, चार पंक्तियों का। काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर जो उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। चार पंक्तियां हैं। काहिर नलनी तू कुमिलानी, नलनी कमलनी, क्यों कुमिला गई तू तो? जल में उत्पत्त, जल में वास। कमलनी की उत्पत्ति जल में है और जल में रात दिन रह रही है। जल में नलनी तोर निवास। अय नलनी, अय कमलनी, तेरा निवास हरदम जल में है। न तल तपत न ऊपर आग, तेरे तल में तपन नहीं है, पानी भरा है, ठंडी ठंडी गीली गीली मिट्टी है। ऊपर से आग नहीं बरस रही है। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। तेरा प्रयोजन किससे है, तू क्या चाहती है? कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुआ हमारे जान। जो उदक में समाया, पानी में डूबा, वो मरा नहीं। ये इसके शब्दार्थ के अनुसार अर्थ है। अन्योक्ति अलंकार में, अनेक अलंकारों में कबीर साहब की वाणी है। अन्योक्ति अलंकारों, अलंकार का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में तीन पद है, तीन पद मिला करके अन्योक्ति अलंकार समस्त पद है। अन्य उक्ति अलंकार, कथा जाए कुछ और रहे कुछ, कहा जाए कुछ रहे कुछ। यहां कमलनी की बात साहब नहीं कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। रूपक कमलनी का है और तालाब का है, जल का है। अलंकारों में कही हुई बात ज्यादा मनोहर होती है। आप वेदों को पढ़ें, अलंकारों से वेद भरे हैं। वेद वचन और कबीर वचन दोनों में अलंकार बहुत है। व्यंजना में ज्यादा कहा गया है। कमलिनी है मनोवृत्ति, सरोवर है आत्मा। साहब कहते हैं मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब है मन की वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है अवस्था, एक रूप, एक आकार। मन अनुकूल बात सोच करके थोड़ा प्रसन्न है, इतने भी वो बात दिमाग से हट गई और प्रतिकूल बात दिमाग में आ गई तो मनोवृत्ति दूसरे ढंग की हो गई, तकलीफ आ गई और वो बात भी चित्त से उतर गई तो उदासीनता आ गई, संभाव हो गया। न तकलीफ है, न सुख है, सम है। ये मनोवृत्ति मनुष्य की बदलती रहती है। मनोवृत्ति कमलनी है, सरोवर आत्मा है। अय मनोवृत्ति रूपी कमलनी, तेरी उत्पत्ति तो सरोवर में है, शीतल आत्मा से है, तो तू जल क्यों रही है? जल में उत्पत्ति, जल में बास। आत्मा से तेरी उत्पत्ति है और आत्मा में तेरा निवास है। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में लनी तोर निवास। तुम्हारा वहीं निवास है, घर बना हुआ है,
नहीं तर तपत न ऊपर आगी, तेरे तल में तपन नहीं है, आत्मा के स्वरूप में कोई तपन नहीं है, आत्मा शीतल है, स्वभाव से भी अमृत है, और ऊपर से उसको कोई दुख नहीं दे सकता है, किसी आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता है बाहर से। तोर हेतु को कासन लाग, तेरा प्रयोजन कहां लगा है, तू कहां प्रयोजन मान रहा है, कहां भटक रही है। कहें कबीर जी उदक समान ते नहीं मुआ हमारे जान। साहब कहते जो उदक में समाया, उदक जल, वेद में उदक का अर्थ किया गया है, निरुक्त में यास्क मुनि ने किया है, यास्क मुनि ईसा से 800 वर्ष पूर्व हुए हैं, जो उछल उछल करके चले वो उदक है। जब पानी ज्यादा बहता है तो कूद कूद करके चलता है, इसलिए उसको उदक कहा गया। जो जल में समा गया वो मरा नहीं, जो आत्मा में लीन हो गया, जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन है, वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। इसी पर हम विचार करें। मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं वो तो विवश हैं, उनमें समझ नहीं है, मन उनके पास भी है, इंद्रियां भी हैं, शरीर का व्यवहार वे भी करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने बच्चों को पाल लेते हैं, और बड़ा संक्षिप्त रूप में। एक बार मैं भ्रमण करके आया जब, तो जहां मेरा निवास है बाथरूम में गीजर लगा है, तो गीजर के ऊपर दो अंडे मैंने देखा, तो मैंने साथियों से कहा भाई देखो ये गिरने ना पाए, फूट ना जाए, ऊपर है वो। समय से देखा कि वो मादा आती है, वहां बैठती है, आती है जाती है, दो दिन में देखा बच्चे बैठे हैं, अब अंडाकार नहीं है, बच्चे बैठे, दोनों बैठे हैं चुपचाप, खिसकते नहीं, इधर उधर जाते नहीं। कभी कभी देखा कि मादा ला करके कुछ उसके मुख में डालती है, थोड़ा थोड़ा डालती है, लेकिन उसी में चार दिन में वह पंख फड़फड़ाने लगे। पांचवें दिन देखा कि एक उड़ करके पंखे पर बैठ गया। मैंने कहा भाई देखो कोई पंखा न चलाएंगे, नहीं तो कट जाएगा। फिर मैंने लकड़ी लेकर के उसके सामने किया तो उड़ करके वो जंगला के पास चला गया। एक उड़ करके फाटक पर आके बैठ गया, जो फाटक पर बैठा उसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ करके ला करके बाहर एक पौधे पर, फूल के पौधे पर रखा, झाड़ था, और दूसरा जंगला के रास्ते उड़ गया। एक सप्ताह में कुल हो गया, अंडा कब दिए थे तो पता नहीं, लेकिन एक सप्ताह में वो अंडा फूटा, चूजे बड़े हुए, अब मादा ने लाके चारा दिया, उड़ने लायक हो गए, उड़ के चले गए। अब मादा से कोई मतलब नहीं, मादा को कोई चिंता नहीं। आदमी बच्चा पैदा करता है, बच्चे के बच्चे के बच्चे अगर वो प्रबंध कर पाए, जी पाए, कई पीढ़ियों तक प्रबंध करेगा, अपना प्रबंध नहीं करेगा जिसके लिए जीवन मिला है। इस पर मुझे एक घटना याद आती है। एक भक्त मिलने आए, कई वर्ष हो गए, शायद अब वो न हो, 75 वर्ष के उस समय थे, बहुत समझदार, फतेहपुर की तरफ के थे। दो भक्त और आए थे, तो मैंने कहा इन लोगों को जाने दो, तुम दो तीन दिन रह लो, तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें घर में क्या काम होगा। तो सहम गए। मैंने कहा क्यों? कहे साहब घर खेती मुझे देखना पड़ता है। मैंने कहा बच्चे? कहे साहब वो दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं। तो हम कहे कितनी तुम्हारी उम्र है? कहे 75। मैंने कहा तुम मर जाओगे तब कौन खेती करेगा? तुम कब तक करोगे खेती?
मैं नहीं कहता हूं कि बूढ़े निकम्मे बन के बैठे रहे, काम करें, लेकिन इतनी जिम्मेदारी लेकर के इस बुढ़ापा में 60 वर्ष में सरकार भी सेवा मुक्त करती है और पेंशन देती है, जाओ बैठ के खाओ, अब तुम्हारे मरते तक तुम्हें खाने के लिए मैं दूंगी, सरकार कहती है। और जिन बाल बच्चों को आपने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, 75 वर्ष की उम्र हो गई, अब अभी भी सेवा मुक्त नहीं हो रहे हो। अगर बच्चे के बच्चे हों तो उसका भी विवाह शादी देखना चाहेंगे ये बूढ़े, अपना कल्याण नहीं देखना चाहेंगे, ये घोर अविवेक। जानवर ज्यादा हल्के फुल्के, इस समय भीड़ है इसलिए पक्षी सुबह नहीं बोलते हैं, वो शाम करके पेड़ पर बैठे होंगे अथवा उड़ करके इधर उधर होंगे। आज रात में जब सुबह में घूमने निकला तो कोई पक्षी बोल नहीं रहा था, वो जानते हैं भीड़ है, भीड़ नहीं रहती है तो बहुत सुबह से ही बोलने लगते हैं, चहचहाते हैं, प्रसन्न। ये सब गुण होते हुए भी उनमें विचार शक्ति नहीं, विचार शक्ति केवल मनुष्य में है, आत्मा सबका समान है, चाहे चींटी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, लेकिन विचार केवल मनुष्य में है। और मनुष्य ही ज्यादा तप रहा है, मनुष्य की मनोवृत्ति ज्यादा जल रही है, हर आदमी का मन हर समय पीड़ित है, तपता है, दुखता है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, अय नलनी अय कमलनी क्यों कुमिला गई, अय मनोवृत्ति क्यों दुखी है, क्या कमी है, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, सोने की जगह मिलती है, फिर दुख क्यों। लोग कहते बस इतना ही है और बहुत बातें हैं, बहुत बातें दुख भोगने के लिए हैं। काम करो, मेहनती रहो, कोई बैठाकू न रहो। बूढ़ों से भी मैं कहता हूं मेहनती रहना चाहिए, बूढ़े अगर दरवाजे पर हैं, झाड़ू लगा लिए, अपने कमरे में साफ कर लिए, छोटे बच्चों को थोड़ा खिला लिए, और भी थोड़ा मोड़ा काम कर लिए तो घर वाले खुश होंगे और अपने में भी शक्ति होगी सेवा की। सेवा के बिना चित्त प्रसन्न होगा ही नहीं, इसलिए परिश्रमी तो होना चाहिए। लेकिन चिंता में हम इतना बांध देते हैं अपने को कि चित्त जलता रहता है, सबका चित्त जलता है, मात्रा में कम बेश है। और क्यों जलता है, सार्थक नहीं निरर्थक जलता है। कोई मर गया तो कोई जला सकता है, जब मेरा शरीर ही मर जाएगा तो इसको लेकर के इतनी परेशानी क्यों। मन के अनुकूल नहीं होता है, क्या दूसरे के मन के अनुकूल सब होता है, ये तो दुनिया की कथा है। मन के अनुकूल कहाँ होगा, कहीं थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है। मन को ऐसा बनाओ कि सब अनुकूल लगे, जैसा मन चाहता है वैसा होगा नहीं, जैसी स्थित हो मन को ऐसे बना लो बस सुखी रहो। एक पंडित जी यजमानी में जा रहे थे, पूरब तरफ जाना था, घोड़ी पर जाते थे वे, लेकिन घोड़ी बड़ी उनकी हठीली थी, उत्तर तरफ बारंबार चले, वे लगाम से खींचे पूरब तरफ और उत्तर तरफ जाए, तो उन्होंने कहा चल घोड़ी तो उत्तर चलो, उधर भी मेरी यजमानी, तो उत्तर ही चले गए। सब तरफ उनकी यजमानी थी, प्रारब्ध हमें किसी तरफ खींचता है, हमें अपने मन का ऐसा समाधान रखना चाहिए सभी स्थितियों में प्रसन्नता बनी रहे। हमारी प्रसन्नता चीजों से नहीं बनी रहेगी,
जितनी ख्वाहिश बढ़ेगी उतना उद्वेग बढ़ेगा, उतनी अपूर्णता का दर्शन निरंतर होगा। जितनी ख्वाहिश घटेगी शांति बढ़ेगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अनेक ख्वाहिशें हैं जिसको पूरी करना चाहिए दम देकर, लेकिन बहुत थोड़ी पूरी होती है, सब अधूरी ही रह जाती है। चित्त क्यों जलता है? प्राणियों के बीच में सहन नहीं है, पदार्थों के लिए संतोष नहीं है, शरीर के सुख दुख में धीरज नहीं है, जगत की स्थित का विवेक नहीं है। इन सब कारणों से चित्त जलता है। ध्यान दीजिए, प्राणियों के बीच में सहन नहीं है, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, पति पत्नी के सारे विचार एक समान नहीं होते हैं, गुरु शिष्य के सारे विचार एक समान नहीं होते। एक सिद्धांत हो सकता है लेकिन सब बात में सारे विचार एक नहीं होते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों के विचारों में फर्क रहता है, स्वभाव में फर्क रहता है, गुण कर्मों में फर्क रहता है। कई बार मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब महाराज राम का वनवास सुनाया गया तो कौशल्या के पास आए। कौशल्या तैयारी में थी कि अभी राजगद्दी होगी राम की, तो बहुत खुश थी, पूजा अर्चन लगी थी। श्री राम ने कहा, माता जी ये सब अलग रखो, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, भरत भाई को राज्य दिया है। कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। हवा दी गई, श्री राम ने उनको उठा के बैठाया, वो विलाप करने लगे। स्वस्थ हुई थोड़ा, लक्ष्मण अपने भवन से सुने, दौड़े दौड़े आए। लक्ष्मण एकदम उत्तेजित थे, गर्म स्वभाव के थे, संयमी थे, चरित्रवान थे, लेकिन स्वभाव उग्र हो जाता था। उन्होंने कहा, भैया पिताजी अस्त्रैण हैं, मेहरचरा हैं, उनको या तो मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, आप बैठिए अयोध्या की गद्दी पर, देखता हूं कौन मेरे सामने आता है। कौशल्या ने राम से कहा, इनकी बात सुने। राम ने कहा, मेरा ऐसा साहस नहीं। कितना कोमल उत्तर, मेरा ऐसा साहस नहीं। राम और लक्ष्मण अभिन्न थे, लक्ष्मण राम के की छाया की तरह चलते थे लेकिन स्वभाव का अंतर था। फिर लक्ष्मण भी ठंडे हो गए, चित्रकूट में हैं। श्री राम आहार भून भून करके सीता को खिलाते हैं, इदम मिष्टम इदम मेद्यम, ये मीठा है ये पवित्र है ये खाओ, ऐसा राम कहते हैं। लक्ष्मण देखते हैं उत्तर तरफ से धूल, चिड़ियों का कोलाहल, आवाज, दौड़े दौड़े आते हैं, भैया आग बुझाओ आग बुझाओ, सीता जी को कहीं खो में रखो, दुश्मन आ गए। और कोई नहीं, ये भरत है, दुष्ट है, वो सोचता है 14 वर्ष क्यों, जीवन भर राज करे, आपको मारने आ रहा है, मैं देखूंगा इसको। जल्दी से जल्दी वो साखू के पेड़ पर चढ़ गए और वहीं से जो बना हुआ पलटा कह रहे थे। तो राम ने कहा, लक्ष्मण उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कहूंगा अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण बेचारे कटे वृक्ष की तरह हुए कि भैया पिताजी आते होंगे आपको ले लौटाने के लिए, वो ठंडे हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं लेकिन दोनों अभिन्न हैं। स्वभाव की विपरीतता संसार में स्वाभाविक है, इसको सहो, उलझो ना, उद्वेगित ना हो। एक देवी जी जो 50 वर्ष की थी,
पढ़ी लिखी, इंग्लिश बीच में बहुत बोलती थी, मेरे पास आवे, सुने सत्संग सुने। एक दिन व्यक्तिगत मिली, कह साहब मेरे पति बड़े समझदार हैं लेकिन बहुत गुस्सा वाले हैं, बहुत परेशान करते हैं, उनको खुश करना बहुत मुश्किल है, बहुत जोर से बोलती गई। मैंने कहा देखो ऐसा काम करो, इतने दिन बीत गए, आपकी 50 वर्ष की उम्र है, अभी भी एक दूसरे को नहीं समझे हो, जहां उनको खटक लगे वो काम न करो। कहे बस साहब आप भी उन्हीं पक्ष करते हैं। तो मैंने कहा आप भी उन्हीं पक्ष कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। तो कहे मैं परतंत्र नहीं रह सकती। मैंने कहा जब आप सड़क में चलती हो तो बाएं चलती हो कि दाएं? कहे बाएं। तो मैंने कहा ये परतंत्रता क्यों? सड़क में हम जैसे चलेंगे, बाएं दाएं कोई चिंता नहीं, स्वतंत्र चलेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहती हूं? कहने तो खतरा है। हम कहे हर जगह परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा, गुरु संत पिता माता श्रेष्ठ जनों का अदब लिहाज मर्यादा और परतंत्रता में रह करके विकास होगा। बच्चों को गुरु के अध्यापकों की परतंत्रता में रह करके शिक्षा मिलेगी। वकालत लोग सीखते हैं तो बड़े वकील के साथ रहते हैं। एक वकील ने मुझे बताया कि बड़े वकील के साथ मैं प्रैक्टिस करता था। एक मुकदमा में उन्होंने मुझे तहसील भेजा और मैंने विजय पाई, तो आया ऑफिस में बैठा, कई उनके सहायक वकील थे, तो बड़े वकील ने कहा मेरे लिए इसको 10 रुपये दे दो। अब एक वकील बड़े वकील के साथ रह करके कितना सहता है, वही अब बड़ा वकील है, उसके सहायक है वकील। अदब लिहाज मर्यादा अंकुश परतंत्रता ये कल्याण करने वाली है। स्वतंत्र बन करके उन्मादी होकर के विनाश के सिवा कुछ नहीं। आजकल स्वतंत्रता की भूख इतनी हो गई है कि परिवार विखंडित हो रहा है, और इससे केवल दुख के कुछ मिलेगा नहीं। यही कि एक इंजीनियर के पिता, अब वो नहीं होंगे, वो 88 वर्ष के थे, उससे मिलते थे, कहते साहब जब आपका भजन सुबह शुरू होता है तब मैं व्यायाम करता हूं और नाच उठता हूं, मगन हो जाता हूं। महाराज मैंने सर्विस की, पेंशन थोड़ी मिलती है पुराने जमाने में की है, लड़का इंजीनियर है, लेकिन जब वो ऑफिस से आता है तो मैं ड्राइंग रूम में नहीं बैठता हूं, गली में घूमता हूं। वो मुझे जब देखता है कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो उसको गुस्सा चढ़ता है, इसलिए मैं गली में घूमता हूं। कितना दुखद है। वो अभागा नहीं सोचता ऐसे बूढ़ा मैं होऊंगा और मेरा लड़का मुझसे अधिक प्रगतिशील कहलाएगा, तो शायद वो घर में भी रहना मेरा पसंद ना करेगा। जो काम हम अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं वही तो लौट करके हमें फल मिलेगा। मनुष्यों के बीच में समाधान विनम्र होकर के वाला है, थोड़ी बातों को लेकर उद्वेगित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। सहना सीखो, सहना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे की बात सह लो, स्वयं उसको न सहने की चेष्टा करो। पदार्थ जिसमें हो उतने में संतोष से गुजर करने को सीखो, दूसरे की नकल न करो। नमक भात है काफी है, दाल सब्जी मिले अच्छा है, घी दूध मिले अच्छा है, फिर घट जाए, नमक भात काफी है। गुजर होना चाहिए, निर्वाह होना चाहिए।
दूसरे की नकल कभी न करे। शरीर में उपद्रव आएंगे, धीरज से सहना है, रहने वाला कुछ नहीं, सब चला जाएगा। अनुकूलता प्रतिकूलता की घटनाएं आती हैं और कुछ नहीं रहती हैं। इन सारी बातों पर विवेक हुए बिना किसी की वृत्ति शीतल नहीं हो सकती है। भोजन नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, सोने की जगह कहीं नहीं मिलती है, तो कोई दुखी है तो यह दुख सार्थक लगता है। लेकिन खाने को मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, फिर भी दुखी है तो कितना नमक हरामी है। और मन का नहीं होता है, मन का किसी हुआ है? मन सबको रगड़ रहा है। जो मन को रगड़ दे, मन को मांज ले, वो सुखी होता है। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता। अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा हो शेर नर मारा तो क्या मारा। कोई पारे का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बनाई, लेकिन अपनी बुरी इच्छाओं को मार करके अक्सीर दवा न बना सकी, न बना सका तो क्या किया। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, बुरी इच्छाओं को मार लिया तो बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजरा और शेर नर मारा तो क्या मारा, सांप मारा, घड़ियाल मारा, सिंह मारा तो क्या मारा। अपनी बुराइयों को जो मारा वो अमृत होता है। अपनी बुराइयों को मारो। मनोवृत्ति शीतल तभी होगी जब अपनी बुराइयों को मारा जाए। सभी संतों ने कहा है, वेद का निर्देश है, बाइबल का निर्देश है, कुरान का निर्देश है, शास्त्र का निर्देश है, पुराण का निर्देश है, कबीर नानक दादू दरिया का निर्देश है, विवेकानंद आनंद का निर्देश है, और सबका निर्देश है। दुनिया में जितने साधक हुए हैं अपने पर विजय करने के लिए सब ने कहा है, ये महापुरुषों ने यही काम किया है, अपने पर विजय करने का काम। लौकिक उन्नत से चित्त शीतल नहीं होगा, एक खुजलाहट मन में होगी, अहंकार बढ़ेगा, सावधान न रहोगे तो, और मनोविकार बढ़ेगा। जितने प्राणी पदार्थों का संबंध होगा साधना में न रहे तो उतने विकार बढ़ेंगे। लौकिक उन्नति क्या है? प्राणी पदार्थों का जखीरा इकट्ठा हो जाना, बहुत प्राणियों से संबंध, बहुत पदार्थों से संबंध, बहुत कार्य व्यवहार से संबंध, तो इन सब का विकार तो आएगा, वो विकार और जलाएगा। आलम से जब तक निराला नहीं होगे तब तक खुदा से निराला रहोगे, ये निर्मल साहब की वाणी है। दुनियादारी से हटोगे नहीं तब तक खुदा से हटे हो, सत्य से हटे हो। दुनियादारी से हटो, मोह माया से हटो, तब खुदा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आत्मा के पास पहुंचो। पास कहीं चल के थोड़े पहुंचना है, आप ही हैं। काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ये मनोवृत्त रूपी कमलनी शीतल आत्मा से उदय रही है। जल में उत्पत्त, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। आत्मा से मनोवृत्त की उत्पत्ति है, आत्मा में वो रह रही है, आत्मा से में उसका निवास स्थान है। फिर क्यों दुखी है? नहीं तल तपत न ऊपर आग, तल में आत्मा है। अब आत्मा मौलिक रूप में शीतल है, ऊपर से आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, बंधन नहीं दे सकता है,
आप स्वयं बंधन बनाते हैं। ये बड़ा हल्ला है कि ईश्वर की माया सबको नचा रही है। क्या ईश्वर समझदार और दयालु नहीं है? नचाने वाला निर्दय होता है, किसी को परेशान करने वाला निर्दय होता है। सदैव आदमी किसी को परेशान नहीं करता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहे, वो सबको परेशान करे। किसी की जमीन बिक रही है, कोई खरीद रहा है, वो बीच में पड़ जाए, दोनों तरफ से कुछ ले ले तब छोड़े, नहीं तो उसमें बीच में गड़बड़ करे। कोई मकान बना रहा है, नींव डाल रहा है, वहां पहुंच जाए, जब उसको घूस दो तब काम चले। सबका काम बिगाड़े, वाणी से बिगाड़े। बिगाड़ानंद का नाम आप सुने होंगे, कई बार मैं कहा करता हूं। सबका काम बिगाड़ते थे तो गांव वाले उनका उसका नाम रखे बिगाड़ानंद। एक लड़के की शादी देखने के लिए लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने 100 रुपये का नोट दे दिया कि बेटा बिना बुलाए बिगाड़ानंद आ जाएगा और कुछ बिगाड़ी देगा, जो जरा वो आवे जब तो ये नोट उसके पैर पर रख करके पैर छू लेना। बरदेखुआ बैठे थे, बात हो रही थी, इतने में बिगाड़ानंद आ गए, बैठे, बच्चे ने 100 रुपया निकाल करके उनके पैर पर रखा, कहा बेटा खुश रहो खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। बर देखने वाले सोचे भाई लड़की को जब मिर्गी आती है तो यहां तो लड़की फंसाना ठीक नहीं, वो चुपचाप चले गए। 100 रुपया कम था, और देते तो न बिगाड़ता। कहते जो वो मरने लगा तो गांव वाले आए तो रोने लगा कि आप लोगों का मैंने काम बिगाड़ा, बहुत पाप किया, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में लकड़ी गाड़ दी जाए तो पश्चाताप हो जाएगा। गांव वालों ने कहा नहीं, मैं हम लोग क्षमा करते हैं, अब ये सब नहीं किया जाए। कहे नहीं, अगर नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। तो कहे ठीक है भाई कर देंगे, मर जाने के बाद लकड़ी गाड़ने से कोई पाप नहीं। वो मर गए तो एक बढ़ई बुला करके लकड़ी छील करके दांत खोल करके डाल दिया गया, कफनाया गया, तो सिग्नल जैसा वो लकड़ी खड़ी रहे। अर्थी पे लेके लोग चले, संजोग था उधर से कई थानेदार और पुलिस के लोग आ रहे थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह पर क्या खड़ा है, उतार उतारो। पुलिस का तो अधिकार है, कहीं भी जांच कर सकती है। तुम लोगों को कुछ भी दीन दुनिया और सरकार का कुछ डर नहीं है? लकड़ी खोस करके इसको मारे हो, ऐसे लेकर के जा रहे हो? सात बेड़ी हथकड़ी लगी, सब जेल में गए। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के गए। ईश्वर ने माया पाल रखी है और सबके ऊपर छोड़ देता है और सब परेशान है। भगवान की माया से सब परेशान है। क्या भगवान बिगाड़ानंद है? भगवान तो सच्चिदानंद होना चाहिए, वो माया क्यों रखेगा? कट ही कुतिया कोई आपके मोहल्ले और गांव में रखे हो और सबको कटवाता रहे तो उसको आप अच्छा आदमी नहीं मानोगे। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो फिर थाने जाना पड़ेगा। और भगवान अनादिकाल से अपनी माया सब पर दौड़ा दौड़ा करके सबको परेशान कर रहा है, और आज तक आप लोग ने थाने में जाकर नहीं कहा भैया भगवान से कहो अपनी माया रोकें। और थाना थानेदार बेचारा क्या करेगा, भगवान का पता नहीं कहाँ है, वो कैसे उसकी माया है वो जान भी नहीं पाएगा। ये सब आपके मन का खिलौना है। भगवान की माया आपको नचाती है, बिल्कुल झूठ बात है। आपकी माया आपको नचाती है। हम और आप अपनी अपनी माया से नाचते हैं, भगवान की माया नहीं। भगवान को दोष मत दो। ये भगवान के भगत नहीं जो ऐसा कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान के विरोधी है, अजान में भगवान के विरोधी बने बैठे हैं अपने बालकपन में। जब भगवान शुद्ध है
तो विकारी माया वो क्यों रखेगा और सबको परेशान क्यों करेगा? आप तंबाकू खाते हैं, भगवान खिलाता है? कोई शराब पीता तो क्या भगवान पिलाता है? कोई किसी लड़की पर कुदिष्ट करता है तो भगवान ने ऐसा करवाया है? ये जो आतंकवाद का चक्कर चल रहा है जगह जगह, क्या भगवान कराता है? उपासना स्थल में लोग बैठे उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और वहां बम विस्फोट हो गए तो भगवान ने करवाया? ये सब मनुष्य की कुकर्तूती है, मनुष्य की माया है। जितने दुराचार जिनके द्वारा होते हैं उन्हीं उन्हीं की माया है। इस वास्तविकता को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। लोग प्रवाह में कहते जाते सोचते नहीं है, कहते जाते हैं, ऊपर वाला जा रहा है। एक संत से मैंने कहा, वो बूढ़े थे, मुझे बुलाए थे अपने यहां, मैंने कहा भजन हो रहा है। कहे महाराज क्या भजन करो, भगवान चाहेगा तो होगा। हम कहे हाँ भगवान बहुत खुराफाती जो होने नहीं देता है भजन। तो कह नहीं भगवान का क्या दोष है, वो तो मेरा ही दोष है। तो मैंने कहा तो करना चाहिए। कहे हाँ जब ऊपर वाला चाहे। हम कहे फिर वही बात। तो मैंने कहा आपको निश्चय क्या है? कहे महाराज क्या निश्चय कहूँ, वो भी कह देता हूँ, वो भी कह देता हूँ, कुछ निश्चय नहीं। और उपदेश करते थे खूब। ये निर्भ्रांति बोध का अभाव है। बोध में निर्भ्रांति होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। हमें भटकाने वाला दुनिया में कोई नहीं है, न भगवान न शैतान। हमें भटकाने वाला हमारा गलत विचार है और उस गलत विचार को हम ठीक करने में समर्थ हैं। अपने अंदर में कटीली झाड़ियां हमने पैदा की है, इसलिए हम उसे उखाड़ करके बिल्कुल फेंक सकते हैं। अपने अंदर में हमने विष इकट्ठा किया है राग द्वेष का और उसको पूर्ण हम समाप्त कर सकते हैं। यही तथ्य है। भगवान चाहेगा तो होगा। आज तक नहीं कर पाया भगवान तो आगे कैसे कर देगा? आपको कितना चाहिए भगवान की कृपा? इतनी बड़ी पृथ्वी पर बैठे हैं, खुली हवा मिली है, खुला आकाश मिला है, सागर नदियां, देखो आप गंगा के तट पर बैठे हैं। यहां से उत्तर पश्चिम तरफ कई किलोमीटर तक शून्य का वातावरण, इसलिए स्वच्छ हवा छन के आ रही है। चांद सितारे आपकी सेवा में हैं, स्वस्थ शरीर आपको मिला है, जहां बैठे हैं प्राणवायु अपने आ जा रहा है। कौन सी कृपा आपके ऊपर कोई करे? आप राग करो, द्वेष करो, कामना तृष्णा वासना में उलझो, उसको कौन सुधारेगा? वो आपका काम है। नहीं तल तपत न ऊपर आगे, न तल में तपन है न ऊपर से आगे है, न तो आत्मा के स्वरूप में मौलिक स्वरूप में विकार है और न तो ऊपर से उसे कोई मलिन कर सकता है। अपने को न समझ करके हमने अपने को गंदगी में डाला है। जीवन का सुख का रास्ता बड़ा सस्ता और सरल है। जहां रहो मेहनती रहो और एक टाइम दो टाइम रूखा सूखा जो मिल जाए खा लो। बढ़िया भोजन होता है रूखा सूखा, समझ लो। जितना कीमती भोजन होगा उतना बिगाड़ करने वाला होगा। कुछ रूखा सूखा मिल जाए पेट भर लो, तन ढकने कुछ कपड़े मिल जाएंगे, सोने की जगह मिल जाएगी। अब एक काम खास है, मन को शुद्ध रखना। और वही काम नहीं होता है, खाने का टिटिम्मा बहुत होता है, कपड़े का टिटिम्मा बहुत होता है, घर मकान का बहुत होता है, गाड़ी घोड़ा सब में
चीज मिलती गई, बढ़ाते बढ़ाते कोई सीमा नहीं। चित्त शुद्ध की बात सोची नहीं जाती है। जो खास काम है, आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कैसा धोखा में जीवन है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो सुख से जीने के लिए। सुख से जीना बड़े महल से नहीं हो सकता है, गाड़ी घोड़ा से नहीं हो सकता, पद प्रतिष्ठा से नहीं हो सकता है, गुरु बाबा बनने से भी नहीं हो सकता है। महंत, मंडलेश्वर, जगतगुरु, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर होने से वो अवस्था नहीं आ सकती है। ये व्यवहारिक चीजें हैं। सबका काम है मन को शुद्ध करना। शुद्ध मन आनंद का सागर होता है। और ये काम करना बहुत सरल है। जहां रहो अपने मन को मांझते रहो। आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं है। व्यवहारिक रूप में कोई कुछ उल्टा पलटा कर सकता है, आपके मन को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अपने मन को हम खुद बिगाड़ते हैं। हमें किसी ने गाली दी, अपमान किया, तिरस्कार किया, भरी सभा में अपमान किया, क्या करूं अब? इतने पर तो मन बिगड़ने हैं, तो मन बिगड़ने हैं तो रो। भरी सभा में कोई अपमान किया, जिसने अपमान किया वो अपना अपमान किया, मेरा अपमान नहीं हो सकता है। मेरा अपमान है जब मैं किसी का अपमान करूं। दूसरे के अपमान करने से मेरा अपमान नहीं होता है, किंतु जो अपमान करता है उसका अपमान होता है। गाली देने वाले को गाली पड़ती है। जो गाली जिसको दी जाती है अगर वो स्वीकारे ना तो उसको गाली नहीं पड़ती है। अपने मन को हम पूर्ण शुद्ध रख सकते हैं। ऐसे कवच से अपने आप को सुरक्षित कर लो कि कोई चोट वहां ना लगे। धैर्य, सहन, त्याग, संयम, शील, संतोष, दृढ़ता, क्षमा, गम, संतोष, इस वृत्ति से अपने आप को ऐसे अभेद्य कवच में सुरक्षित कर लो कि कोई तकलीफ ना दे सके। कोई आके यहां खड़ा होके हमें गाली देने लगा और हम दुखी हो गए तो हम कुछ नहीं। गाली दे, हम दुखी क्यों? गाली देना उसकी कमजोरी है। निमित्त जीवन भर बने रहेंगे, निमित्त से आप स्वयं उद्वेगित ना हो जाओ। अपने को संभालो। कल्याण का रास्ता यही है। हर जगह सहन, परहेजगारी की बात कही गई है। कुरान शरीफ को आप देखो, परहेजगारी परहेजगारी बारंबार आती। वेद को देखो, बाइबिल को देखो, हर जगह सहन, क्षमा, गम, संतोष की बात आती है। कबीर वाणी में तो अत्यंत विनम्रता और क्षमा और सहन की बात आती है। कबीर, हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। कबीर पाखंडियों के लिए उग्र है, मानवता में भेदभाव डालने वालों के लिए उग्र है, सांप्रदायिकता का विष बोने वालों के सामने उग्र है, लेकिन आम जनता के लिए, साधकों के लिए इतने विनम्र हैं। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। अब की जो मानव शरीर मिला है इसमें कोई अपने को समझ ले और अपने को सुधार ले और शीतल हो जाए, अमृत हो जाए, वो गुरु है, मैं उसका चेला बनने को तैयार हूं। इतना विनय अवनत है वो। वज्रादप कठोर, कुसमादप कोमल, हजर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। वह वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। गलत जगह पर वो कठोर हो जाते हैं, गलत को नहीं स्वीकारते, लेकिन आम जनता और साधकों से वो कोमल, फूल से भी अधिक कोमल है।
अपने को पहचानो, आप कौन हो। आप देह नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। देह अन्नमय कोश है, ये हड्डी का ढांचा, उसके अंदर प्राणमय कोश है, वायव्य शक्ति, वायु का जितना भी पुंज है शरीर में वो प्राणमय कोश है। उसके अंदर मनोमय कोश है और उसके अंदर ज्ञानमय कोश है बुद्धि, उसके अंदर आनंदमय कोश है, अनुकूलता में सुख की अनुभूति। ये पांचों आप नहीं, ना स्थूल शरीर आप हैं और न जो प्राण की धौकनी चलती वो आप हैं, न मन आप हैं, न बुद्धि आप हैं, और अनुकूलता में जो सुख की कल्पना होती न वो आप हैं। आप साक्षी मात्र हैं, चेतन मात्र हैं, शुद्ध बुद्ध निर्मल, उसी को रूह सोल अनेक भाषा में कहते हैं और उसी को अंत में परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं मिलता है? मिलने वाली चीज कहीं परमात्मा होती है? मिलने वाली चीज दुनियादारी होती है, मिलती और छुटती है। संतो आवे जाए सुमाया, साहब कहते हैं संतो जो आवे और जाए, मिले और छुटे वो माया है। परमात्मा अगर आता जाता हो, मिलता छुटता है तो माया है। परमात्मा कभी अलग नहीं होता है आपसे, आत्मा में पर जुड़ा हुआ है परमात्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा मूल आत्मा है। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा, प्रेत का मतलब जो चला गया। दुष्ट आत्मा का अर्थ होता है खराब स्वभाव का मनुष्य। शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है पवित्र स्वभाव का आदमी। महात्मा का अर्थ होता है इंद्रिय जीत, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। और परमात्मा का अर्थ होता है जो परम हो गया, गुणातीत, क्लेश रहित। मनुष्य की ऊंचाई है उसका मन हर क्षण क्लेश रहित रहे, मन में क्लेश ना हो, किसी भी स्थिति आने में क्लेश ना हो, सब समय परमानंद आनंद बसे, आनंद अटारी। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा। बीजक में साहब कहते हैं दादा भाई बाप कलेखो, चरण हुई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कह दू, भाई कह दू, बाप कह दू, तुम्हारे चरणों की सेवकाई मैं कर लू। अब की बार तुम पुरिया को तोड़ दो, सदा आनंदित हो जाओगे। ये भी अलंकारों में कहा है, पुरिया पुरिया गठरी, अहंकार की गठरी खोल दो। जो अहं गाठे बैठे हो उसको खोल दो, सदा आनंदित हो जाओगे। हमारा अहंकार हमें जलाता है, हम नकली रूप मान लेते हैं अपना, शरीर नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियां, ये सब से अपने को हम जोड़ लेते हैं। शरीर से अपने को जोड़े, उसके नाम से जोड़े, उसके गुण कर्म से जोड़े, उसके स्वभाव से जोड़े, उसकी उपलब्धियों से जोड़े, बस जोड़ते चले जाते हैं और दुखाते चले जाते हैं। कल्याण का रास्ता है इन सबको छांटो। शरीर में नहीं हूं, शरीर का स्वभाव में नहीं हूं, शरीर के गुणकर्म में नहीं हूं, ये उपलब्धियां हैं, मेरी उपलब्धि नहीं है। आप लोग इतने लोग आए हैं, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। आप लोगों की शुभ भावना है, कष्ट उठा के आते हैं, तीन दिनों तक असुविधा में बिता करके आपको लगता है इसमें मंगल है। सुविधा सुविधा तो होती रहती है, अपने घर में तो सभी सुविधा से रहते हैं। आपकी शुभ भावना है जो यहां आए हैं, ये मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है। मेरी उपलब्धि है मेरा मन सदैव शीतल है। अब अगर मान लो कि आप लोग आए हैं तो मेरी उपलब्धि है, तो आप लोग चले जाएंगे तो मेरी उपलब्धि खो जाएगी, मैं वैसे कैसे रह गया। तो उपलब्धि से अपने को जोड़ना अपने को दुख में डालना है।
संयोग की अपेक्षा वियोग के दिन को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। ये भीड़ बैठी है, हमें याद करना चाहिए जब मेरा शरीर मर जाएगा और हम इस संसार को नहीं जानेंगे, उस चीज की याद करनी चाहिए, भीड़ नहीं, तब मन शीतल होगा। उपलब्धियां क्षणिक हैं, एक की नहीं सबकी। राष्ट्रपति अभी अबुल कलाम थे, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ नए राष्ट्रपति का प्रतिभा पाटिल, उसी रात को उन्होंने राजभवन छोड़ दिया अबुल कलाम ने, और तीन कमरे के मकान में जाके बैठ गए। सैकड़ों एकड़ परिसर, विशाल राजभवन को छोड़ करके तीन कमरे के मकान में चले गए। एक दिन वो तीन कमरा भी नहीं रहेगा, एक दिन उनका शरीर मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और वही बात हम सब के शरीर की है, मिट्टी में जाए या आग में जले या पानी में सड़े, उस चीज को देखने की जरूरत है। उपलब्धियों में अपने को जोड़ करके तो यही तो अहंकार, यही विकार उत्पन्न करता है। अंतिम दशा को देखो जिससे मन के विकार नष्ट हो, और धीरे धीरे उस तरफ सब चल रहे हैं, बदहवासी है, ख्याल नहीं है, नहीं था तपत न ऊपर आग तोर हेतु कहु कासन लाग। साहब कहते हैं मनुष्य की मनोवृत्ति तेरा हेतु किससे लगा, क्या चाहती है दुनिया में, क्या तेरा है। कहें कभी जो उदक समान ते नहीं मुआ हमारी जान। साहब कहते हैं हमारी समझ में तो यह है कि जो पानी में निमग्न हो गया वो मरेगा नहीं, पानी आत्मा, शीतल आत्मा। जो आत्मलीन हो गया, जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, वो दुखहीन हो गई। इसीलिए समाधि अभ्यास सबको करना चाहिए, सब लोगों को कुछ समय के लिए भूल जाना चाहिए संसार को। ध्यान में जाओ, समाधि में जाओ, अवसर रहा तो कल 11 से 12 वाले में कहना चाहूंगा ये सब। सबको भूल जाओ, सुसुप्त में आप सब भूल जाते हो, कितना सुख होता है सुसुप्ति का। आनंद आनंदमय कोष का उग्र स्वरूप है, सुसुप्त में कोई दुख नहीं रहता है। लेकिन जागते जागते जो सुसुप्त की तरह शांत है वो कृतार्थ है। सुसुप्ति का आनंद तो अवस्था जन्य है, नींद खुली फिर दुख शुरू, लेकिन समाधि का सुख ज्ञान जन्य है, वो स्थिर है। सबको रोज ध्यान करना चाहिए और कुछ समय के लिए भूल जाना चाहिए देह संसार सबको, आत्मलीन हो जाओ। आत्मलीनता का अभ्यास करो, आपका क्या है इस संसार में, अपना आपा आत्मा खुद और कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। एक संयोग है, एक गुरुवा संघात है, गाय इकट्ठी हो गई फिर अलग अलग हो गई, सारा संबंध नकली है, असली नहीं है। कहें कबीर जो उदक समान, जो पानी में डूबा वो मरा नहीं, आत्मा में लीन हुआ, जिसकी मनोवृत्ति लीन हुई वो धन्य है। चार पंक्तियां ये हैं, काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, नाल डंडी, कमलनी की जो डंडी है वो नाल है, जल में उत्पत्त, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, नहीं तर तपत न ऊपर आग तोर हेतु कासन लाग। कहें कबीर जो उदक समान ते नहीं मुआ हमारी जान। अय मनोवृत्ति तो आत्मा से उत्पन्न है, आत्मा स्वभाव से शीतल है, आत्मा की तरफ लौट, दुनिया की तरफ न जा। दुनिया की तरफ जितना जाएगी झुलसेगी, आत्मा की तरफ जा, शीतलता मिलेगी। दुनिया का काम जीवन भर करना पड़ेगा,
विवेक से करो, अंतर्मुख होने का अभ्यास करो। संसार का काम जिनकी जहां ड्यूटी है काम करें, नाली साफ करना, दफ्तर का काम करना, कारखाने का काम करना, खेत में काम करना, सब बराबर है। जहां जिसकी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, कर्तव्य करें, लेकिन अपनी मनोवृत्ति को साफ स्वच्छ शीतल करने का अभ्यास करें। सारा अहंकार छोड़ करके अपने मन को मांजे बिना यह दशा नहीं आएगी। दूसरे का कोई दोष नहीं है, जिसने हमें गाली दी कोई हर्ज नहीं है, जिसने हमारा कुछ छीन लिया कोई हर्ज नहीं है, जिसने हमारा अपमान किया कोई हर्ज नहीं है, वो ठीक है। अपने को हम ठीक रखें, वो अपने आप समझेगा। साधना का रास्ता अपने मन को मारना है, इसलिए साहेब अंतिम मोहर लगाते हैं, कहें कबीर जी उदक समान ते नहीं मुआ हमारी जान। उदक जल आत्मा, जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन रहती है वो अमर हो गया, जो आत्मतुष्ट है। सोते समय जागते समय सब समय आनंद में है, नींद खुली कोई खटक नहीं है, बिस्तर पर गया कोई खटक नहीं, नींद आ गई। सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना, ये जीवन का फल है। और मनोवृत्ति जब निर्मल होगी, आत्मलीन होगी, तब ये दशा आएगी। ये काम हम और आप सब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।